जय भीम जी। ठीक हो जी? जी बिल्कुल बढ़िया जी। इन कानून है ये वापस होंगे? बिल्कुल होंगे, और इनको वापस करवा के दम लेंगे हम जी, क्योंकि ये सिर्फ एक किसान का आंदोलन नहीं, अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। और तीनों काले कानून मुख्य रूप से हम इन्हीं कानूनों के ऊपर बात कर रहे हैं, और इनको हम वापस करवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, हम उसको अपनाने के लिए तैयार हैं जी। जी आगे की, आज राकेश टिकैत जी आए थे, आज क्या कहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? राकेश टिकैत जी ने जो आगे की रणनीति बताई है वो यही बताई है कि जो युवाओं को है उसको अपने गुस्से को ऊपर उसको संयम रखना है, और जो है ना पूरे होश के साथ में, पूरे जोश जुनून के साथ में हमें इस लड़ाई को लड़ना है। हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना है कि सरकार हमारे ऊपर जो है ना लांछन लगा सके, या हमारे इस जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो हमारा किसानों के प्रति, जो संविधान को बचाने के प्रति और जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ये बदनाम करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश और अपने जी जान से इसी काम में लगे हुए हैं कि हमारी वजह से किसान बदनाम ना हो, और हम जो है ना पूरा संयम बरतने का काम कार्य कर रहे हैं जी। दिल्ली में देखा गया है काफ़ी जगह पे किले बिछाई हैं किसानों को रोकने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने किले बिछा के, इन लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर पे किले बिछा के ये साफ कर दिया है कि ये लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली जो है हमारी राजधानी है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, उनको किराए पे दे रखी है, बस 5 साल में बदल जाएंगे दिल्ली के मालिक, 5 साल में बदल जाएंगे, सरकारें किसी की घर की नहीं होती। और आज इनके हाथ में सत्ता है, ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि कल सत्ता हमारी होगी, और जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो इन लोगों को विदेशों में भी छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से और इन सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ इस बात की कि या तो सुधर जाओ, वरना सुधारने वाले बहुत हैं। ये लोग उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग की लड़ाई लड़ी थी, जो उधम सिंह, भगत सिंह जैसे जो हमारे समाज के लोग हुए हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं जी। देखा गया है कि दिल्ली में खालिस्तान बोल के ये जो राजनीति है ये चमका रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि ये, अब मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि ये लोग जाति धर्म पे बांटने का काम कर रहे हैं, ये गाय के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैंने बताया आपको, ये पूरा जन आंदोलन है, इसमें किसी एक इंसान की या एक धर्म की, एक जाति की भागीदारी नहीं है, ये पूरे भारत देश का जो है आंदोलन है। और इसको ये इसीलिए इसको खंडित करना चाहते हैं बार बार खालिस्तानी बोल के, या अभी पीछे हमारे कृषि मंत्री थे वो SYL का मुद्दा लेके आए थे, लेकिन उनकी जो है राजनीति ज़्यादा दिन तक चली नहीं। और हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो युवा है वो जाग चुका है, अपने विवेक से काम लेता है और हमेशा सच्चाई के साथ में खड़ा रहता है, और हम भी बाबा साहब के विचारों से जो है प्रेरित हो गए और अपने लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू। जय भी राम राम कर दो जी अपने दर्शकों। राम राम भाई सारे दर्शकों ना, राम राम जी। आज राकेश टिकैत जी आए थे, क्या कुछ कहा है, क्या राय आज की जो यहाँ पे रैली हुई है किसाना की? देखो भाई, यह बात तो आपने भी सुनी होगी राकेश जी ने क्या कहा है, बाकी स्पष्ट ही बात थी। जो खापन एड फैसले लिए हैं वो फैसले भी स्पष्ट हैं, इतने तीन काले कानून वापिस नहीं तो घर वापसी नहीं, जितने बच्चे हमारे गिरफ्तार किए गए हैं सभी को हमारे घर भेजा जाए, जितने भी हमारे साधन कैप्चर करे गए हैं या रोके गए हैं या बंद करा के हैं, जलाए गए हैं, उन सब के नुकसान की भरपाई, और जितने भी विधायक हैं हमारे प्रदेश के या देश के जो किसानों के विरोध में हैं, तो उनसे अपील है कि वो अपना समर्थन दे के किसानों के हक में आगे खड़े हुए। सर, जैसे कि राकेश टिकैत जी ने कहा है ये जो आंदोलन है अक्टूबर तक चलेगा, ऐसा क्यों? देखो मैं तो, राकेश जी तो अक्टूबर की कंधे होंगे, बाकी मैं तो नुका करूँ बेचे 5 साल चाल लो यू, हमें चलावांगे अरजीत के वापिस आवांगे, इतना आने का मारा भी को नहीं रह रहा, या वो कहा करें आखिरी यार जमीर की लड़ाई है, अगर जमीर की लड़ाई जब चल जाग रहे है तो फिर उसका रिजल्ट आग रहा है। राकेश जी तो तैयारी कर रहे हैं क्या, ताकि हम हर रोज आंदोलन की 2-3 महीने एडवांस तैयारी शुरू कर दें ताकि भविष्य में हमें दिखते ना हो। सर आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो जी, रणनीति तो आगे जो भी प्रोग्राम है या और संयुक्त मोर्चा काम है वो जैसा भी हमें आदेश देते हैं हम उसी आदेश का पालन करते हैं। ठीक है। राम राम भाई सारे भाई है ना जी। ये कुछ रहा होगा जी, जो कानून लागे हैं ये वापस होंगे नहीं होंगे? वापस तो होने चाहिए भाई जी,
और लेने पड़ेंगे सरकार ने जी। इतना हम पास नहीं हटते हाँ, किसी हाल में किसी मुसीबत हो चक्के में कर लो, कील काट लो चाहे फाड़ी काट लो और तोप टेक दो आगे, हम पास नहीं हटनी यहाँ जी। कील काट दी उड़ कर फिर ट्रैक्टर जाएंगे तो पंचर होगा कि कुछ करना, तो भाई सारा सौदा हमारे पे जेसीबी रे रोड रोलर रे ये हमारे तो हैं, पर मोदी थोड़ा चलाओ है, हमारे भाई चलाओ, हमारे किसान चलाओ, मरला भाईचारा चलाओ, रोड रोलर चाहे काट लो चाहे कील काट लो, इन्हें कोई समाधान नहीं होता भाई, समाधान के लिए है और बैठ के करना पड़ेगा मोदी ने, या मोदी चाहे पहला कर लियो चाहे आखिरी तक कर लियो, समाधान के लिए काम चला हमारे होगा, समाधान समाधान होगा भाई। साना की रैली हुई है आगे खतर के कुछ का आगे खतर नू है भाई, इतना ये काड़े कानून वापस नहीं होंगे, हमारी जो किसान आंदोलन सभा ला लो पंचायत ला लो हर जगह हर भाईचारा ने हर जो युवा जवान हैं मेरे भाई जो बूढ़े बुजुर्ग हैं इनके गल सहयोग कर दे रहे और इन सचेत कर दे रहे भाई, अच्छा नटो और ये अकेले लड़ाई है लड़ते रहो।